हॉर्लिक्स और नेटवर्क 18 लेकर आए हैं मिशन पोषण भविष्य रोशन। बड़ी खबर इस वक्त श्रीनगर से आ रही है। आतंकियों ने सीआरपीएफ की गाड़ी पर ग्रेनेड से हमला किया है। ये हमला श्रीनगर के फतेह कंदल में हुआ है। इस हमले में 3 जवान घायल हो गए और हमले के बाद अब सुरक्षा बल ने आसपास के पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है और आतंकियों की तलाश शुरू कर दी। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। रिफत, इस पूरे इलाके में इस वक्त क्या ताजा हालात हैं? देखिए प्रशांत, मैं बता दूं आपको, ये सीआरपीएफ की एक पार्टी थी फतेह के दिल पे और मिलिटेंटों ने उस पर ग्रेनेड फेंका और इस ग्रेनेड हमले में 3 सीआरपीएफ के लोग जख्मी हुए हैं और ये ग्रेनेड हमले के बाद पूरी एरिया में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। ये तकरीबन 6th ग्रेनेड हमला है पिछले 24 घंटे में, क्योंकि कल सुबह से जो ग्रेनेड हमले हुए, तकरीबन 5 ग्रेनेड हमले कल हुए, जिसमें 1 श्रीनगर में हुआ, 4 साउथ कश्मीर में हुए और आज ये 6th ग्रेनेड हमला है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि मिलिटेंटों ने शायद इस तरह का मंसूबा बनाया है कि जहां पे भी उनको सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग मिलते हैं उन पे ग्रेनेड फेंके जाते हैं ताकि उनको निशाना बनाया जा सके। यही वजह है कि आज भी श्रीनगर में जो है फतेह कदल में अभी थोड़ी देर पहले ग्रेनेड हमला हुआ और 3 सीआरपीएफ के लोग उसमें जख्मी हो गए और वहां पूरे एरिया में सिक्योरिटी अब मजीद बढ़ा दी गई। शुक्रिया रिफत।